बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बूटस्ट्रैप 5 की मदद से हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है स्मॉल बिजनेस के लिए बनाना सीखेंगे। उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर करवाए हैं, हम सबको यूज़ करेंगे। और ये 5 पेज की वेबसाइट है, अभी ये ब्राउज़र के अंदर ओपन है। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक नैव बार है और फुली रिस्पॉन्सिव है। और जैसे हमने नैव बार जो है पहले किया था बूटस्ट्रैप की क्लासेस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से हम तैयार करते हैं तो आप पिछली वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद क्रोजल्स है हमारे पास, और इसके अंदर हमने डिफरेंट इमेजेस लगाई हैं और साथ में बटन लगाए हैं। फिर हमारे पास ये एक इमेज के साथ एक पैराग्राफ और बटन्स हैं, और फिर एक अलर्ट है, और फिर नीचे जो है हमारे पास इमेजेस के साथ पैराग्राफ है, और फिर कार्ड्स हैं, और लास्ट पे फुटर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको पहले ही बनाना सिखा चुका हूँ। जस्ट हमने अब इसको ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हुए बूटस्ट्रैप का हमने इसको बनाना सीखना है, ये किस तरीके से वर्क करेगी वेबसाइट। ये हमारे पास जो है टोटल 5 पेजेस की वेबसाइट है, आप इसे देख रहे हैं, ये इसका डेमो है। और लास्ट पे हमारे पास है कॉन्टैक्ट इसका पेज, इसके अंदर हमने यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करवाई है और साथ में गूगल मैप को भी एम्बेड करवाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं, तो आइए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर इसका सेटअप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फोल्डर न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, और उस फोल्डर का जो है हम नाम रख लेते हैं बिज़नेस वेबसाइट। ठीक है, बिज़नेस वेब या बिज़नेस वेबसाइट रख लेते हैं या बिज़नेस वेब रख लेते हैं, बिज़नेस डैश वेब मैंने इसका कर दिया नेम। और उसके बाद इसका जो है हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो आपको पता है इसके अंदर 3 फोल्डर होते हैं, एक फोल्डर जो है हम क्रिएट करेंगे CSS के लिए, और दूसरा फोल्डर जो है हमारे पास होता है इमेजेस के लिए, और तीसरा फोल्डर जो है हमारे पास JS के लिए होता है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को राइट क्लिक करके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद जो है हमारे पास इसका जो प्रोजेक्ट व्यू है वो सामने आ जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि मेरे पास जो है अभी ये कोड ओपन हो गया, अब हमने करना ये है कि हमने बूटस्ट्रैप को ऐड करना है इसमें, और साथ में जो है jQuery को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले भी तरीका बता चुका हूँ। बूटस्ट्रैप जो है आपने क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, और यहाँ पे लिखना है getbootstrap.com। तो यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे डाउनलोड का बटन जो है अवेलेबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ, तो मैं क्या करूँगा इसमें ऐड करवाऊँगा। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे ये पड़ा है बूटस्ट्रैप, यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा था, जी यहाँ पे पड़ा है। अब इसके अंदर जो है 2 फोल्डर हैं, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। तो इसमें जो तीसरे नंबर वाली फ़ाइल है bootstrap.min.cs, ये हमने कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपनी जो वेबसाइट है उसके CSS के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अभी इसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, दोबारा से उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे बूटस्ट्रैप वाले में, और दूसरा फोल्डर उसके अंदर है JS का, इसके अंदर भी तीसरे नंबर वाली फ़ाइल जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पड़ी है इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद JS के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखें तो यहाँ पर अब ये फ़ाइल जो हैं आ चुकी हैं, लेकिन अब इनको जो है चलाने के लिए हमें jQuery की भी ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे JS के फोल्डर के ऊपर क्लिक करके मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ jQuery.min.js। और उसके बाद अभी ये फ़ाइल खाली है, तो मैं क्या करूँगा, मैं jQuery को डाउनलोड करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा jQuery.com। तो मेरे पास जो है jQuery की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पे जो है इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड jQuery का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो है ये डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे है डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.6.0। तो मैं इसको जो है ये क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है ये फाइल जो है ओपन हो जाएगी।
अभी ये जो है एक फाइल की सूरत में है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए कर लेता हूँ ताकि सारा कोड जो है बॉडी का सेलेक्ट हो जाए, और फिर कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आऊँगा और वहाँ पर पेस्ट करके इसको जो है मैं सेव कर दूँगा। मैंने इसको सेव कर दिया है, तो मेरे पास जो है जे क्यूरी जो अपना इसका ओरिजिनल फॉर्मेट था उसके अंदर आ चुकी है। तो अब हमने क्या करवाना है, अब हमने HTML की फाइल जो है वो क्रिएट करवानी है। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, तो ये वाला फोल्डर भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, बाहर पहले खाली जगह पे क्लिक करनी है, और फिर जो है आपने न्यू फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करनी है, और यहाँ पे मैं पहली फाइल क्रिएट करता हूँ index.html के नाम से, और उसके अंदर HTML5 की टेम्पलेट जो है हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम, क्योंकि ये होम की फाइल है, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं, जैसे मैं अपनी कंपनी चैनल का नाम लिखता हूँ यहाँ पे प्रोफेशनल टेक, और प्रोफेशनल टेक लिखा मैंने यहाँ पे, तो टाइटल जो है ये इंक्लूड हो गया साथ में। इसके बाद हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को लिंक करवाना है, लेकिन बूटस्ट्रैप को लिंक करवाने से पहले जो है, अगर हम जो डेमो वेबसाइट थी अगर मैं उसको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आइकन्स जो है हमने इस्तेमाल किए हुए हैं फुटर के अंदर। तो हमें आइकन्स के लिए क्या चाहिए, फ़ॉन्ट ऑसम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, fontawesome.com की वेबसाइट ओपन करेंगे, और वहाँ से हम जो है फ़ॉन्ट ऑसम फॉर वेब जो है डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का बटन अवेलेबल है, आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करनी है और नीचे मूव करना है, और यहाँ पे बटन आ रहा है फ्री फॉर वेब का, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट ऑसम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है फ़ॉन्ट ऑसम जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अभी बस मेरे पास जो है ये पहले से पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, ये डाउनलोड के फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, तो एक जिप फाइल जो है डाउनलोड होगी, यहाँ पे मैंने डाउनलोड की हुई है, कहाँ पे है जी, ये पड़ी है मेरे पास। अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है राइट क्लिक करें इसके ऊपर और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें, तो ये फाइल जो है आपके पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, और इसको राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट की हुई थी, तो चलें कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब देखें इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, अब इसमें से सिर्फ हमें एक फोल्डर चाहिए, ये वाला वेब फॉन्ट्स का, हम इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके अलावा हमें एक फ़ाइल चाहिए CSS की उस फोल्डर के अंदर से, तो CSS के फोल्डर के अंदर जाएंगे, और पहले नंबर पे जो फाइल पड़ी है all.css, इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट के CSS के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारा जो काम है वो नेक्स्ट है, हमने इसकी लिंकेज करवानी है। तो सबसे पहले जो है मैं लिंक करवाता हूँ फॉन्ट ऑसम को, ये पड़ा है CSS के फोल्डर के अंदर, इसका नाम है all.css, और टाइप इज इक्वल इसकी आ जाएगी टेक्स्ट स्लैश CSS, और उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप जो है लिंक करवाना है। ये आपने ऑर्डर फॉलो करना है, सबसे पहले फॉन्ट ऑसम, अगर फिर गूगल फॉन्ट्स हैं तो फिर गूगल फॉन्ट्स आपने लगवाने, और उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप के बाद जो आपका कस्टम स्टाइल होगा, यानी कि जो आपने खुद से स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है, वो सबसे लास्ट पे ऊपर जो है लिंक करवानी है। तो आपने ये ऑर्डर फॉलो करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो अभी जो है यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक करवाऊंगा, वो पड़ी है CSS के फोल्डर के अंदर, नाम है उसका bootstrap.min.css, और टाइप इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है, अभी मेरे पास एक्सटर्नल फाइल नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर एक्सटर्नल CSS का एक भी लफ्ज़ जो है यूज़ नहीं करेंगे। अब उसके बाद हमने jQuery को लिंक करवाना है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका भी आपने ऑर्डर जो है फॉलो करना है, सबसे पहले jQuery, और उसके बाद जो है आपका आएगा pooper.js, और फिर उसके बाद bootstrap वाली JS, ठीक है, जो हमने उधर जो है strap .js, जो .bundle.min.js है, और उसके बाद हमने अपना जो स्क्रिप्ट होगा वो हमने लिंक करवाना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रिप्ट हमने लिंक करवाना है jQuery का, तो इसके लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे, ये पड़ा है js के फोल्डर के अंदर, और नाम है इसका jQuery.min.js, क्योंकि मैंने इसका जो भी नाम रखा है आपने वही, अगर आपने jQuery का नाम सिर्फ jQuery.js रखा है, तो आप यहाँ पर सिर्फ jQuery.js ही लिखेंगे। तो टाइप इज इक्वल टू
टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट आ जाएगा, स्क्रिप्ट। और उसके बाद जो है हमने करवाना है लिंक बूटस्ट्रैप को, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये JS के फोल्डर के अंदर पड़ा है, उसका नाम है bootstrap.bundle.min.js और टाइप इज इक्वल टू वही आ जाएगी टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपने CSS की फाइल लिंक करवानी है वो हेड के अंदर होंगी, और उसके लिए जो टैग यूज़ होगा वो लिंक का टैग यूज़ होगा, और अगर आपने कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो लिंक करवाना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ होगा, और वो जहाँ भी बॉडी का टैग एंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उससे ठीक ऊपर वाली लाइन के अंदर वो आप लिंक करवाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, ये हमने लिंक करवा दिया। अभी टेस्टिफाई कर लेते हैं ये बूटस्ट्रैप जो है सक्सेसफुली जो है हमारा लिंक हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे बटन का टैग यूज़ करूँगा, टाइप इज इक्वल टू बटन ही, और क्लास यूज़ कर लेंगे बूटस्ट्रैप की btn डैश प्राइमरी। और अगर तो ये बटन जो है ब्लू हो गया तो उसका मतलब हमारा बूटस्ट्रैप जो है सक्सेसफुली लिंक हो चुका है प्रॉपरली, और jQuery भी लिंक हो चुकी है। तो अभी जो है इसको मैं सेव करवाता हूँ, और सेव करवाने के बाद जो है इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। तो हमारे पास जो है ये हमारा कोड जो है रन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आ गया है प्राइमरी बटन, इसका मतलब बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। चलें जी, अब हमारा है अगला काम, इस बटन को कर रहा हूँ रिमूव, और इसको रिमूव करने की वजह ये है कि हम अब अपनी वेबसाइट की कोडिंग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने होम का जो है टैब क्रिएट करना है, सॉरी पेज क्रिएट करना है, 5 पेजेस हैं टोटल इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है हम इसके सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ वेबसाइट हेडर, यहाँ पे वेबसाइट का हेडर है, इसके लिए हम क्या करेंगे हेडर का टैग यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से मैं कमेंट करता हूँ कंट्रोल के कंट्रोल सी के साथ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट वेबसाइट मेन कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे मेन कंटेंट आएगा वेबसाइट का। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेक्शन का जो है टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर सारी सेक्शन के अंदर जो है चीज़ें पैक होंगी, और उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट पे आ जाएगा वेबसाइट का फुटर। तो ये हमने स्ट्रक्चर जो है बनाया है हेडर, और फिर दरमियान में मेन कंटेंट, और फिर फुटर। तो फुटर के लिए हम फुटर का टैग ही इस्तेमाल करेंगे, या हम HTML5 के टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जगह पे पहले डिव के टैग हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम अब प्योर HTML जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हेडर है, हेडर के अंदर अगर आप गौर करें तो सब यहाँ पे डेमो वेबसाइट के अंदर, मैं इन चीज़ों को क्लोज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक नैव बार है। तो हेडर के अंदर सबसे पहले तो हम क्लास एक कॉल करेंगे बीजी लाइट की, ताकि इसके ऊपर जो है बैकग्राउंड कलर जो है लाइट कलर का अप्लाई हो जाए। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, अभी इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। और ये हमने बीजी डैश लाइट की जो क्लास इसके अंदर कॉल की है, अब इसके अंदर हम एक टैग लेंगे नैव का, या बल्कि इसके पहले हम एक डिव ले लेते हैं, और उसके अंदर हम कंटेनर क्लास कॉल कर लेते हैं, ताकि ये दोनों तरफ से 50-50 पिक्सल का मार्जिन जो है अप्लाई कर दे। अब कंटेनर की हमने क्लास ले ली है, तो इसके अंदर हम एक नैव का टैग इस्तेमाल करेंगे, और नैव के टैग के अंदर हम एक डिव लेंगे, और डिव के अंदर हम क्लास कॉल करेंगे नैव बार की। तो नैव बार जो है ये बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से डिफाइन है। अब इसके अंदर मैं नैबा की थीम जो है वो सेट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैबार डैश लाइट, और उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे बल्कि बाकी चीज़ें जो है बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखेंगे आप एक ब्रीक सी पट्टी जो है ग्रे कलर की स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो गई हुई है। अब हमने इसके अंदर जो है कंटेंट डालना है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लोगो आ रहा है, लोगो आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस लोगो को मैं ऐड करवा लेता हूँ अपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो ये लोगो पड़ा है मेरे पास, आप कोई भी इमेज जो है लगा सकते हैं, जैसे ये लोगो की फाइल पड़ी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है इसको अपने इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जो है पेस्ट कर दूंगा। अभी मैंने ये लोगो पेस्ट कर दिया, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लोगो लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज का टैग जो है यूज़ करूँगा, बल्कि एंकर का टैग यूज़ कर लें, और एंकर के टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ इसी फाइल का ही index.html। ये आपने हैशटैग के बगैर देना है, क्योंकि हम किसी HTML डॉक्यूमेंट को लोकल फाइल को कॉल करेंगे ऑन दी क्लिक। तो अब यहाँ पे हम क्लास कॉल करेंगे नैव बार डैश ब्रांड की, तो ये ब्रांड का लिंक है, और
इसके अंदर जो है हम एक इमेज का टैग बना लेते हैं, इमेज पड़ा है हमारे पास इमेज के फोल्डर के अंदर और उसका नाम है लोगो डॉट पी एन जी। और आल टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल टेक, हमने यहाँ पे ब्रांड का नाम लिख दिया और ठीक है जी। अब इसको सेव करवाते हैं तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा जो है इमेज क्रिएट हो चुका है। तो अब हमने इसकी विड्थ और हाइट जो है कंट्रोल करनी है। तो आपको पता है कि इमेज के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं विड्थ इज इक्वल टू 30 कर देता हूँ इसकी और हाइट भी इसकी 30 कर देता हूँ ताकि ये जो है बिल्कुल सेम स्केयर के अंदर जो है आ जाए। अब देखें यहाँ पे छोटा सा लोगो जो है क्रिएट हो गया है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर 50 करूँ तो 50 भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब इसको दोबारा से हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है लोगो क्रिएट हो चुका है, जिसकी क्लिक के ऊपर यही वाली क्लास जो है यही वाला पेज जो है दोबारा से रिफ़्रेश होगा। अब उसके बाद जो है दूसरी बारी है हमारे पास टॉगलर बटन की। जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा यहाँ पे टॉगलर बटन बन रहा है, तो अब देखेंगे ये क्या कर रहा है कि मेन्यू को रिस्पॉन्सिव कर रहा है जो भी हमारी नैव बार के अंदर है। तो हम इस बटन को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से करना है, हम यहाँ पे बटन का एक टैग लेंगे, टाइप इज़ इक्वल टू बटन ही आ जाएगी और क्लास के अंदर हम कॉल करेंगे नैव बार डैश टॉगलर। नैव बार डैश टॉगलर की क्लास मैंने इसके अंदर कॉल की और उसके बाद जो है इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जैसे आर्या डैश एक्सपेंडेड। यह हम पहले भी जब मैंने ये वीडियोस आपको करवाई हैं पीछे बूटस्ट्रैप के जो कंपोनेंट्स करवाए हैं उसके अंदर भी मैंने ये बताया। आर्या एक्सपेंडेड का मतलब है कि ये शुरू में सारी जो डिव्स हैं ये क्लोज हों और उसके बाद जो है आर्या एक्सपेंडेड के बाद हम क्या करेंगे आर्या डैश कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स के अंदर हमने जहाँ पे हमने नैव बार की नैव्स के लिंक बनाने हैं वो आईडी यहाँ पे डालनी है। तो अभी मैंने वो आईडी क्रिएट नहीं की तो उसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद डाटा डैश टारगेट, टारगेट के अंदर भी हमने वही आईडी डालनी है जो हम नीचे क्रिएट करेंगे, इसके साथ हमने हैशटैग के साथ डालनी है। और डाटा डैश टॉगल की क्लास जो है हम कॉल करेंगे इसके अंदर और इसको इज इक्वल टू कोलैप्स करना है आपने। तो ये वाला जो है हमारे पास अभी तैयार हो गया हुआ है। अब इस बटन के दरमियान में हमने वो वाला आइकन लगाना है जो तीन लाइनों वाला आ रहा है, मेन्यू आइकन बोलते हैं उसको। तो मैं उसके लिए स्पैन का कीवर्ड यूज़ करूँगा। स्पैन जो है एक इनलाइन एलिमेंट है, इसके अंदर हम क्लास कॉल करते हैं नैव बार डैश टॉगलर डैश आइकन। तो नैव बार डैश टॉगलर डैश आइकन जो है ये क्या करेगा, ये स्क्रीन के ऊपर बटन जो है क्रिएट करेगा। जैसे ये बटन जो है क्रिएट हो चुका है, अब मुझे बटन जो है जब बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जब मीडियम स्क्रीन आए तब ये बटन शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा नैव बार डैश एक्सपेंड डैश एम डी, जब मीडियम स्क्रीन आए तब ही ये जो है बटन शो हो। जैसे अभी ये गायब हो गया, अभी मैं इसको छोटा करूँगा तो बटन जो है हमारे पास शो हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे जो है नैव बार का मेन्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम आएंगे और आने के बाद यहाँ पे हम एक और डिव क्रिएट करेंगे और डिव के अंदर जो है अब हमने क्या करना है, क्लास कॉल करनी है नैव बार डैश कोलैप्स की, कोलैप्स, और साथ में एक और क्लास कॉल करनी है कोलैप्स की जो हम क्लास पहले कर चुके हैं। ये वाली जो क्लास की कोलैप्स की क्लास कॉल की है ये क्या करेगी, ये उसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है जो हम ये वाली कोलैप्स जो है क्लास हमने डाटा टॉगल के अंदर भी डाली है, ये आपस में लिंक हो गया है बटन इसके साथ। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा ये डिव के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो ओपन एंड क्लोज होंगी। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक आईडी लेनी है और आईडी के अंदर जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ नैव आइटम्स, और यही वाली आईडी जो है अपने कॉपी करके ऊपर जो आर्या कंट्रोल्स खाली छोड़ा था उसके अंदर भी पेस्ट करनी है और डाटा टारगेट के अंदर भी हमने हैशटैग के साथ इसको पेस्ट करना है। अब ये बटन की क्लिक के ऊपर जो है ये डिव जो है ओपन एंड क्लोज होगी क्योंकि हमने इसके अंदर कोलैप्स की क्लास जो है यूज़ कर ली है। अब इसके अंदर अब हमने मेन्यू जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ और उसके अंदर हम क्लास कॉल करते हैं नैव बार डैश नैव की। तो नैव बार डैश नैव की जो क्लास है ये क्या काम करेगी, हम इसके अंदर जो है डिफरेंट चीज़ें जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंकर लिंक जो है जनरेट कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हमने होम का बनाना है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ जाएगी और इसके अंदर हम क्लास कर लेते हैं नैव आइटम की, नैव डैश आइटम या नैव डैश लिंक की भी हम कर सकते हैं, नैव लिंक कर सकते हैं हम इसको।
और इसके अंदर मैं लिखूँगा होम। अभी होम मैंने लिखा तो इसको सेव करने के बाद जो है हम ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी अभी शो नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हमने कोलैप्स के स्पेलिंग जो हैं गलत लिखे हैं, यहाँ पे कोलैप्स, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको दोबारा से ब्राउज़र के अंदर देखते हैं, ये होम आ गया हमारे पास। तो हमने पहले ही अभी फाइल के अंदर हैं तो हमने इसको एक्टिव करना है, तो एक्टिव की क्लास जो है यहाँ पे कॉल कर देंगे। सिर्फ पहली आइटम जो है एक्टिव होती है, बाकी सारी जो हैं वो एक्टिव नहीं होती हैं। अब देखें यहाँ पे जो है एक्टिव की क्लास आ गई। अब हमने क्या करना है, बाकी जो पेजेस हैं उनके हमने लिंक क्रिएट करने हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ 5 मरतबा। अब इसके अंदर जो है हमने ये वाली जो क्लास थी एक्टिव, इसको ख़त्म करना है। तो मल्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ आल्ट दबा के, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ एक्टिव क्लास को। और इसके अंदर जो है अब होम के बाद हमारे पास है सर्विसेज, सर्विसेज, और उसके बाद हमारे पास है टीम्स, टीम्स के बाद है अबाउट अस, और फिर है कॉन्टैक्ट अस। तो ये मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिए हैं कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे हमारे पास नैबार जो तैयार हो गया है, अगर हम इसको छोटा करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, लेकिन ये इसकी क्लिक नहीं काम कर रही। इसको चेक करते हैं क्यों नहीं काम कर रही। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, पहले ये लिंक्स को कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइल्स के लिंक्स देने हैं ताकि ये बाद में जेन से निकल जाएं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करेंगे और नई फाइल क्रिएट करेंगे सर्विसेज के नाम से, services.html, खाली छोड़ देना है आपने इसको। फिर उसके बाद एक और फाइल क्रिएट करेंगे आप किसके नाम से, अबाउट के नाम से, बल्कि टीम्स के नाम से पहले करते हैं, teams.html। और फिर आपने करनी है अबाउट के नाम से, तीन फाइलें हो गई हैं, about.html, और फिर आपने करना है जी लास्ट वाली contact.html के नाम से, contact.html। ये हमने 5 फाइलें क्रिएट कर ली हैं। अब इसको हमने यहाँ पे लिंक करवाना है, तो ये सर्विसेज वाला था तो सर्विसेज लिख देंगे यहाँ पे। ये वाला लिंक जो है हमारे पास टीम्स वाला है तो टीम्स लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास अबाउट वाला है अबाउट, और ये वाला है कॉन्टैक्ट वाला, तो कॉन्टैक्ट की फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो हमारे पास जो है ये सारी फाइल जो हैं आपस में लिंक हो चुकी हैं। अब हमने देखना है कि हमारी क्लास जो है वो क्यों वर्क नहीं कर रही। तो ये बटन टाइप इज इक्वल बटन, आरिया इक्वल टू फॉल्स, आरिया डैश कंट्रोल इज इक्वल टू नैव आइटम्स, ये ठीक लिखा है। यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया, डाटा टारगेट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसको मैं सेव सीख करता हूँ, और उसके बाद इसको हम शॉर्ट करते हैं, और उसके बाद देखेंगे हमारी जो नैव बार है वो बिल्कुल ठीक से वर्क कर रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चूज लैंग्वेज का बटन है, ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, ये हमने लगाना है। तो ये हम कहाँ पे लगाएंगे, ये हम नैव बार डैश नैव की डिव से बाहर निकल के लगाएंगे, और यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं डॉट ड्रॉप डाउन की डिव हम लेंगे, उसके अंदर क्लास कॉल करेंगे, और इसके अंदर एक आईडी भी लेंगे, और आईडी रखेंगे हम ड्रॉप डाउन ही, ड्रॉप डाउन, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन जो है टाइप इज इक्वल टू बटन आ गया, और उसके बाद यहाँ पे क्लास कॉल करेंगे हम btn डैश सेकेंडरी सेकेंडरी। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्लास कॉल करनी है ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। तो ये ड्रॉप डाउन डैश टॉगल क्या काम करेगी, ये छोटा सा एरो नीचे की तरफ आ रहा है वो वाला बटन जो है जनरेट करेगी ये वाला। अब हमने इसके अंदर जो है लिखना है चूज़ लैंग्वेज, तो बटन के दरमियान में हम लिखेंगे चूज़ लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने लिखा चूज़ लैंग्वेज। अब इसके अंदर जो है हमने वैसे ही करना है कंट्रोल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा टारगेट इज़ इक्वल टू, आ जाएगा हमारे पास ड्रॉप डाउन, और उसके बाद डाटा टॉगल इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, नहीं डाटा टारगेट के अंदर नहीं आएगा, डाटा टॉगल के अंदर आएगा ड्रॉप डाउन। डाटा टारगेट के अंदर हम आईडी डालेंगे नीचे वाली की जो भी हमारे पास होगी, और अब हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं डिव, और उसके अंदर क्लास कॉल करेंगे ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू की। तो अभी हमने क्लास कॉल की है, इसके अंदर एक आईडी बना लेते हैं,
और आईडी का मैं नाम रख लेता हूँ लैंग्वेज ड्रॉप, लैंग्वेज डैश ड्रॉप। तो लैंग्वेज डैश ड्रॉप की जो आईडी है मैं क्या करूँगा, ये इसको हम डालेंगे टारगेट के अंदर, डाटा डैश टारगेट के अंदर हैशटैग के साथ। यहाँ पे मैं लिखूँगा लैंग डैश ड्रॉप, और ये क्या, अब जो बटन है इस डिव के साथ जो है कनेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है हम अपनी आइटम जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंकर लिंक का इस्तेमाल करता हूँ, और इसके अंदर जो है हम डालते हैं हैशटैग, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज का जो है कोई लिंक नहीं, अभी हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर हम क्लास कॉल करेंगे ड्रॉप डाउन डैश आइटम। तो ये ड्रॉप डाउन की आइटम है, और इसके अंदर हम जैसे लिखते हैं उर्दू या इंग्लिश लिख लेते हैं पहले इंग्लिश, और इसको हम सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये इंग्लिश जो है अब शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ उर्दू, और फिर जो है हम एक और लैंग्वेज कर लेते हैं अरेबिक। तीन लैंग्वेज काफ़ी हैं अरेबिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी नहीं कॉल की थी आर्या डैश कंट्रोल्स की, आर्या डैश कंट्रोल्स, और इसके अंदर हम वही आईडी जो है लिखेंगे लैंग डैश ड्रॉप। ठीक है, अब हमारे पास ये बन चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसके दरमियान में डिस्टेंस देना है। तो डिस्टेंस देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मार्जिन राइट से जो है क्या करेंगे, ऑटो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखूँगा एम आर डैश ऑटो। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे पास जो है इसके दरमियान में जो है ये ऑटोमेटिकली मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिव स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। अब हमने ये हेडर तो क्रिएट कर लिया, अब बारी है हमारे पास फुटर की, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें जो हैं हेडर और फुटर करके बना के हम इसको सारे पेजेस के अंदर कॉपी करेंगे। बाकी कोड जो है चेंज होगा, हेडर और फुटर जो है सबका सेम है। तो अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फुटर के अंदर कोडिंग करनी है। तो फुटर के अंदर आते हैं हम, फुटर के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास कॉल करेंगे, और क्लास के अंदर जो है हम इसको टॉप से मार्जिन देते हैं पहले 3 rem का, ताकि साथ में टच ना हो। और फिर जो है मैं इसके अंदर स्मॉल की क्लास कॉल कर देता हूँ, कि स्मॉल जो है हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसका जो है बैकग्राउंड वो भी हम सेट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे bg डैश लाइट ही कर देता हूँ इसको, और आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। चलें इसको डार्क कर लेते हैं हम। ठीक है जी, डार्क कर लिया। अभी हमारे पास जो है स्क्रीन के ऊपर कुछ भी यहाँ पे शो अप नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंटेनर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर जो है अब हमने, अगर मैं आपको फुटर दिखाऊं तो यहाँ पे आप फुटर देखेंगे तो यहाँ पे एक रो है और 4 columns हैं उसके अंदर। तो हमने ये चीज़ जो है वहाँ पे लगानी है। ठीक है जी, यहाँ पे bg डैश डार्क की मैं क्लास कॉल कर देता हूँ, ताकि ये बैकग्राउंड जो है वहाँ पे अभी अपेयर नहीं हुआ, क्योंकि हम इसके अंदर कंटेंट कुछ नहीं डाला। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक लेनी है रो। तो मैं एक रो की क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, और रो की क्लास क्रिएट करने के बाद हम इसको पैडिंग देंगे py से 5 rem की। और उसके बाद जो है हमारे पास ये देखें फुटर जो है क्रिएट हो गया हुआ है, 5 rem की पैडिंग भी है इसके अंदर। आप इसको 3 भी कर सकते हैं, जब मैंने 3 कर दिया तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है कंटेंट हमने क्रिएट करना है। तो 4 columns है, 4 columns बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास कॉल कर लेते हैं कॉल डैश 12, मतलब कि नॉर्मली जो है 12 ही रहे। फिर हम इसके अंदर एक और क्लास कॉल करेंगे कॉल डैश md-6, और जब मीडियम स्क्रीन के ऊपर आए तो उसके ऊपर जो है 2 columns आ जाएँ। और उसके बाद कॉल डैश lg डैश, उसको हम करेंगे 12 × 4, 3 आता है तो 3। तो हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये क्लासेस का क्रिएट हो जाएंगी। तो इसके अंदर जो है अब हमने क्या करना है, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे जो है एक h6 की हेडिंग है, फिर नीचे जो है अनऑर्डर लिस्ट है। तो हम यहाँ पे h6 की हेडिंग क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक लिंक्स, लिखा हुआ है क्विक लिंक्स। मैं इसको सेव करता हूँ, और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्विक लिंक्स लिखा आ गया। लेकिन ये वाली जो चीज़ है क्या हो रहा है कि वो टेक्स्ट जो है वो
ब्लैक में ही शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी कॉल करेंगे टेक्स्ट डैश लाइट की। तो टेक्स्ट डैश लाइट की प्रॉपर्टी कॉल की है मैंने रो के अंदर, तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी अब वाइट में ही आएंगी। तो क्विक लिंक्स लिख दिया। अब क्विक लिंक्स के बाद हम अन ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर क्लास कॉल करेंगे लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड। लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड की क्लास कॉल की मैंने इसके अंदर, और फिर जो है हम इसके अंदर लिस्ट आइटम की क्लास कॉल करेंगे, और लिस्ट आइटम क्लास कॉल करने के बाद इसके अंदर एंकर टैग लेंगे। और जैसे यहाँ पे है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि हमने होम लिखना है यहाँ पे, तो होम लिख दिया मैंने इसको। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक लिंक जो है क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद होम के बाद जो है अब हमने इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करेंगे और पेस्ट 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 पेस्ट, 5 मरतबा मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद है हमारे पास सर्विसेज, सर्विसेज, और यहाँ पे भी हम इसको सर्विसेज कर देंगे इंडेक्स की जगह पे। सर्विसेज डॉट एचटीएमएल हो गया। यहाँ पे फिर आएगा हमारे पास टीम्स, और फिर आएगा हमारे पास अबाउट, और लास्ट पे कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट लिखा। अब इसके टेक्स्ट भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा टीम्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अबाउट अस, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। चलें, ये हमारे पास लिंक तैयार हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो है एक लिंक्स जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। अब सेकंड वाला जो कॉलम है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और कॉलम, मैं बल्कि इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे एंड अप हो रहा है, तो मैं पूरी डिव को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, इंफॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिंक्स लगे हुए हैं इनको मैं सारों को रिमूव करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिंक्स ये वाले नहीं लगने, तो मैंने लिंक्स रिमूव कर दिए और इसकी जगह पे लिख दिया मैंने हैशटैग, क्योंकि अब यहाँ पे हम लिखेंगे लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद इसी को मैं कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, और उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी। और भी आप लिंक्स डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा जी लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट, और क्या चीज़ डाल सकते हैं जी हम यहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये भी डाल देते हैं हम। चलें, 5 लिंक्स हो जाएंगे, कॉपी किया पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा और अपने जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप ये लिंक्स जो हैं जनरेट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अगले वाला तैयार करना है, फॉलो अस वाला, तो बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास कॉलम है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉलो अस, तो फॉलो अस लिखा यहाँ पे। अब नीचे जो है हमने क्या करना है, फेसबुक के आइकन लगाना है, और साथ में लिखना है जी फेसबुक। तो आइकन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इटालियन टैग यूज़ करते हैं। फोंटोसम हम चूँकि लिंक करवा चुके हैं, तो उसकी क्लास यूज़ करेंगे फैब, ये हम फोंटोसम 5.15 यूज़ कर रहे हैं, तो फैब आएगा यहाँ पे। अगर 4.6.0 करेंगे तो फा आएगा। उसके बाद फा डैश फेस बुक आएगा हमारे पास, और जहाँ पे इटालियन टैग ख़त्म होगा वहाँ पे हम लिखेंगे स्पेस डाल के फेसबुक, फेस बुक। चलेंगे, अब इसको सेव किया है, तो हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है फेसबुक जो का जो आइकन है वो आ चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फेसबुक का आइकन जो है सर्कल में आ रहा है, हमें सर्कल में नहीं चाहिए, तो हम डैश एफ़ कर देंगे, तो हमारे पास जो है बगैर सर्कल के आ जाएगा इस तरीके से। और फिर हमने यहाँ पे अगले वाला ये वाले नीचे वाले लिंक्स जो है मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पे साथ में एक और चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, आर्या डैश हिडन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और इसको हम कर देंगे फॉल्स। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट आइटम को कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करते जाएंगे,
इसको चार पांच मरतबा पेश कर लेते हैं। यहाँ पे अब आ जाएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक के अंदर भी इंस्टाग्राम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम कर लेते हैं ट्विटर, ट्विटर और फिर हम कर लेते हैं लिंकड इन, लिंकड इन और लास्ट पे जो है व्हाट्सएप का कर लेते हैं। चलें व्हाट्सएप, चलें ये मैंने कर लिया। अब इसके आइकन जो हैं हमने चेंज करने, अगर सेव कराऊँ तो सबके साथ फेसबुक के ही आइकन आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया है, ये मल्टीपल आइकन्स क्यों शो अप हो रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, एंकर टैग लगा है उसके अंदर, और एंकर टैग के अंदर जो है इटालियन है, और इटालियन के अंदर जो है फेसबुक। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है इसको चेक करते हैं हम। ये तो बहुत सारे टैग्स आ गए हैं, इसको मेरे ख्याल से गलती हो गई है कॉपी पेस्ट करते हुए। इसको मैं कट करता हूँ एक मरतबा, अंडू करते हैं यहाँ तक। ठीक है जी, सेव किया इसको, और सेव करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइकन जो है शो हो रहे हैं। इसको आर्या हिडन ट्रू करना है हमने इसको। ठीक है जी, आर्या हिडन ट्रू, ठीक है। ये कहाँ पे लगा है जी, लिस्ट आइटम के अंदर लगा है। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखते हैं ये आइकन्स मल्टीपल ही शो हो रहे हैं अभी तक, ये क्यों शो हो रहे हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा फैब डैश क्लास कॉल कर दी, क्लास के बाद हमने, अच्छा यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट में मिस कर दी थी, तो इस वजह से जो है वो मसला कर रहा है। तो इसको दोबारा से सेव करके देखते हैं अब कैसी लुक आती है। अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, अब इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद इसका हम चेंज कर देंगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, और आगे से जो एफ़ लिखा हुआ डैश एफ, इसको ख़त्म करते हैं। इंस्टाग्राम लिखा, और टेक्स्ट के अंदर भी हम लिख देंगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। चलें जी, ये लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास इंस्टाग्राम का आइकन जो है जनरेट हो चुका है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो कॉपी की हुई है लिस्ट आइटम, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर का लगा लेते हैं यहाँ पे ट्विटर, और इसका टेक्स्ट भी आ जाएगा ट्विटर, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्विटर। ट्विटर लिखा, और उसके बाद जो है हम एक और आइटम जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसके अंदर कर लेते हैं लिंकडिन, लिंकडिन कर लिया, और इसका टेक्स्ट भी जो है हम लिंक्ड इन कर लेंगे। लिंक्ड कहाँ पे गया, लिंक्ड इन। चलें, और लास्ट पे हम व्हाट्सएप का कर लेते हैं, पेस्ट किया इसको, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट्सएप, और उसके बाद टेक्स्ट के अंदर भी व्हाट्सएप लिख देंगे। आप हैशटैग की जगह पे वो लिंक्स भी लगा सकते हैं, मतलब लिंक्डइन का या और ट्विटर के अकाउंट के, और जो आपका है व्हाट्सएप का है या इंस्टाग्राम का है, फेसबुक के लिंक्स लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तब तो देखेंगे यहाँ पे जो है ये आइकन जो हैं जनरेट हो चुके हैं। अब ये जो लगे हैं हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, एंकर टैग लगे हैं, इनको आप वाइट कलर भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से एक बेहतरीन लुक जो है दे रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो है ये आवर लोकेशन का रह जाता है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको भी हम कर ही लेते हैं अभी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम जो है इसकी जगह पे एड्रेस का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डिव का टैग जो है क्लोज होगा। अब इसको मैंने लिखा, और यहाँ पे लिखते हैं आवर लोकेशन, तो आवर लोकेशन लिखी यहाँ पे, और इसको ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो है ये चौथा जो लिंक है ये तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम एड्रेस का टैग यूज़ करेंगे, और एड्रेस के अंदर जो है सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोफेशनल टैग बोल्ड के अंदर, तो हम बी का टैग यूज़ कर लेते हैं बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल, और फिर टैग,
और उसके बाद ब्रेक लाइन करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोफेशनल टेक। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इसका एड्रेस है एम ए जिना रोड उकाड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, अब कोड के अंदर चलते हैं, ब्रेक लाइन अप्लाई कर दी, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एम ए जिना रोड, एम ए जिना रोड लिखा, और उसके बाद हम फिर से ब्रेक लाइन अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे पोस्टल कोड और फिर उकाड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे। सेव करते हैं, इसको ब्राउज़र के अंदर देखते हैं तो किस तरीके से नज़र आता है, ये इस तरीके से आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे दो लिंक्स हैं, साथ में आइकन है और साथ में लिंक्स हैं, तो दोनों को हमने लगाना है। बहुत ज़्यादा आसान काम है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ब्रेक लाइन का टैग अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक एंकर टैग लेंगे और उसके अंदर हमने यहाँ पे सपोज करें डाल दिया हैश टैग, और उसके अंदर क्लास कॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर इटालियन टैग लेंगे, इटालियन टैग हमने इसलिए लिया है ताकि हम जो है आइकन यूज़ कर सकें फ़ोन का। तो क्लास आगे आ जाएगा फा फा डैश फोन, तो फ़ोन लगाया मैंने यहाँ पे। और जहाँ पे इटालियन टैग ख़त्म हो रहा है, स्पेस दे के हम अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 00092 ये मेरा नंबर है और 9098067, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, कट कर लेते हैं यहाँ पे। चलें सेव करते हैं इसको, तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये हमारे पास जो है एक लिंक लग चुका है, लेकिन हमें ये फ़ोन जो है ये दूसरी तरफ को चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फ़ोन डैश ऑल्ट कर लेते हैं, तो ये फ़ोन की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी आइकन की। उसके बाद हमने ईमेल करनी है, तो इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा एंकर टैग को, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल टेक डॉट पी के एट द रेट gmail.com, तो gmail.com लिखा, और उसके बाद इसका आइकन चेंज कर देंगे फ़ोन से इनवेलप। तो यहाँ पे हम इनवेलप यूज़ करेंगे ये, और इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे इनवेलप आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि हमने ऊपर वाले एंकर टैग के लास्ट में ब्रेक लाइन का टैग अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे ब्रेक लाइन अप्लाई कर देते हैं, सेव करेंगे तो हमारा जो ईमेल का आइकन है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अभी मैंने बना लिया, अभी इसको हम चेक करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को, तो मैंने इसको शॉर्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये नीचे की तरफ मूव हो गया हुआ है, और जब हम मीडियम स्क्रीन करते हैं तो चार दो दो कॉलम्स आ जाएंगे, और बड़ी करेंगे तो फोर फोर आ जाएंगे, तो ये फुली रिस्पॉन्सिव जो है क्रिएट हो चुका है हमारा फुटर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है जी प्रोफेशनल टेक आर राइट रिजर्व, तो हमने ये वाला लिखना है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने आईडी के अंदर। अब हमने देखना है कि जहाँ पे ऊपर वाली रो की डिव ख़त्म हो रही है, तो ये किसकी है, ये रो वाली डिव ही है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, आपने इससे बाहर निकलना है, और बाहर निकल के आपने अनऑर्डर लिस्ट जो है यूज़ करनी है। और इसके अंदर मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ इन लाइन डैश लिस्ट की, हम इन लाइन लिस्ट यूज़ करेंगे। इसको हम टॉप से मार्जिन देते हैं 2 RM का, और ठीक है अभी ये लिस्ट तैयार कर लिया। उसके बाद लिस्ट आइटम इसके अंदर कॉल करेंगे, और लिस्ट के अंदर क्लास कॉल करेंगे इन लाइन डैश लिस्ट डैश आइटम, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड साइन और कॉपी, कॉपी लिखा कॉपी राइट का साइन लगाने के लिए, और आगे लिखेंगे 2021 प्रोफेशनल प्रोफेशनल टेक, ये मैंने लिखा। और उसके बाद जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करते हैं और अंदर वाला टेक्स्ट जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल राइट्स आर IGET राइट्स रिजर्व्ड रिजर्व्ड, चलें जी मैंने लिख दिया। अब इसको ब्राउज़र के अंदर देखते हैं हमारे पास किस तरीके से शो अप होता है, तो ये यहाँ पे आ रहा है जी हमारे पास प्रोफेशनल टेक, तो हम इसके अंदर क्लास कॉल करेंगे क्या, लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड, लिस्ट डैश अन स्टाइल्ड, इसको हम सेव करते हैं और फिर देखते हैं। तो हमारे पास जो है ये इनलाइन क्यों नहीं हुआ, इसके स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखे हमने, हाँ यहाँ पे जो है स्पेलिंग गलत लिखे हमने, लिस्ट डैश इनलाइन आना था, लिस्ट पहले आएगा, लिस्ट डैश इनलाइन, और इसके अंदर भी ऐसे ही होगा,
लिस्ट कहाँ पे गया, लिस्ट डैश इनलाइन डैश आइटम, और नीचे वाले के अंदर भी हमने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डैश इन लाइन डैश आइटम। अब इसको सेव करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे हमारे पास जो है ये बिल्कुल इसके अंदर आ गया है। अब इसको हमने क्या करना है, नीचे से भी मार्जिन देना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लिस्ट है टॉप से मार्जिन दिया है, इसको मैं टॉप की बजाय यहाँ पे कर देता हूँ वाई, ताकि ये नीचे से भी मार्जिन में आ जाए। और इसको दोबारा से देखते हैं, अब इसको हमने क्या करना है, नीचे से मार्जिन कम है, इसको हम 5 rem का देते हैं मार्जिन। सेव किया, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा जी। ठीक है, इसको हम अभी टॉप से ही रहने देते हैं MT-3, और साथ में हम यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करना है, टेक्स्ट डैश लाइट की क्लास जो है कॉल करते हैं, ताकि ये वाइट में आए, ताकि हमें पता चले कहाँ पे है। अब इसको सेंट्रलाइज करना है, तो टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास कॉल करेंगे, सेंटर सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है या जो हमारा फुटर का था, क्या कहते हैं, इसको हम टॉप की बजाय दोनों से मार्जिन दे देते हैं, ताकि ये नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से अप्लाई हो जाए। अब हमने इसको पैडिंग भी देनी है, तो पैडिंग भी दे देते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी PY-5, तो पैडिंग भी दे दी हमने इसको, वैसे नीचे भी पैडिंग दी थी, यहाँ पे भी दे दी, चलें कोई बात नहीं। ये पैडिंग मैंने दी, तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैडिंग आ गई है। पैडिंग हम करते हैं कम, इसको 2 rem की पैडिंग कर देते हैं, ताकि ये कम से कम आए। ठीक है, हमारे पास फुटर जो है तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि ये जो कोड है पूरी हमारे पेज का, इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो है हम सारे पेजेस के अंदर जो है इसको डाल देंगे। तो किस तरीके से इसको करेंगे, हमने इसको कंट्रोल ए किया, कॉपी किया, अबाउट के अंदर यहाँ पे पहले लाइन पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर आपने जस्ट एक चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे हमने लिख देना है अबाउट, चलें जी अबाउट। और उसके बाद जो है आपने लिखा कॉन्टैक्ट वाला फाइल ओपन की, उसके अंदर आपने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख दिया आपने कॉन्टैक्ट, और फिर आपने फाइल ओपन की सर्विसेज वाली, और उसके अंदर आपने पेस्ट किया, और वहाँ पे हमने लिख देना है होम की जगह पे सर्विसेज। तो ये एक टेक्स्ट चेंज करना है, अब सारी जगहों पे जो है वो फोल्डर जो है हमारे क्रिएट हो जाएंगे, सॉरी हेडर फुटर जो है क्रिएट हो जाएगा। अब हमने सिर्फ मेन सेक्शन जो है हर पेज का जो कि डिफरेंट था, तो इसलिए हर एक का डिफरेंट डिफरेंट जो है हम तैयार कर लेंगे टीम्स। चले, अभी मैंने इसको कर लिया है, अगर मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँ, अब मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो यही वाला जो है पेज आएगा, अगर यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो तब भी ये वाला ही पेज आएगा। तो होम के ऊपर आ जाते हैं, चलें हमारे पास ये आ गया है, हेडर और फुटर क्रिएट हो चुका है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने जो है होम वाला पेज जो है डिज़ाइन करना है, तो क्रोजल आइटम है सबसे पहले, तो क्रोजल जो है मैंने आपको बनानी सिखाई थी, बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसको हम करते हैं जी शुरू। क्रोजल जो है मैं पहले भी आपको बनाना सिखा चुका हूँ, लेकिन इसके लिए हमें पहले इमेज की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पिक्सल बे की वेबसाइट जो है या pixel.com हम ओपन कर लेते हैं, जहाँ से हम फ्री HD फोटोज़ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से पड़ी हैं तो आप वो इंक्लूड करवा लें। यहाँ पे जैसे मैं सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिख लें या सॉफ्टवेयर लिख लें, तो यहाँ पे बहुत सारी हमें HD इमेज़ जो हैं मिल जाएंगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास जो है कुछ पहले से पड़ी हुई हैं, हम वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाली, नहीं ये इतनी नहीं है, कोई और देखते हैं यहाँ पे इमेजेस, जैसे ये है मेरे पास, सेव कर ली। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कोई और इमेज यहाँ पे, वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, डाउनलोड हो गई है हमारे पास, और आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी इमेजेस जो है डाउनलोड कर लें। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ इमेजेस को, ताकि जो है मैं इसको अपने क्रोजल आइटम्स के अंदर लगा सकूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं, और फिर चेक करते हैं क्या हमारे पास आती हैं इमेजेस। जैसे ये मैंने कर ली है एक,
चलें। अच्छा जी, मैंने ये फ़ाइल जो हैं जो मैंने डाउनलोड की हैं, जिसकी मैंने इधर करवा ली हैं, अब 1 2 3 4 5 के नाम से मैंने नाम रख दिए ताकि नाम देने में आसानी रहे। अब हम जो है इंडेक्स के पेज को डिज़ाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसके अंदर मैं कमेंट कर लेता हूँ क्रोजल का, कंट्रोल के कंट्रोल सी के साथ क्रोजल। और अब इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ, पहले एक कंटेनर लेंगे कंटेनर, और उसके बाद जो है अंदर हम कॉल कर लेंगे क्रोजल को, और साथ में हम उसकी आईडी भी क्रोजल ले लेंगे। ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, डाटा डैश राइड इज़ इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स लिख लिया। और इसके साथ साथ हम एक और क्लास कॉल करेंगे स्लाइड की यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्रोजल की बना ली है। अब सबसे पहले इसकी हम जो है इंडिकेटर्स क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट जो है क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर क्लास कॉल करूँगा क्लास, और क्लास के अंदर मैं लिखूँगा क्रोजल डैश इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स बनाए। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, लिस्ट आइटम यूज़ करनी है, और लिस्ट आइटम के अंदर जो है हमने क्लास यूज़ करनी है, बल्कि क्लास जो है नहीं यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे हम डाटा टारगेट कर लेते हैं। डाटा डैश टारगेट, टारगेट इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हैश टैग क्रोजल, क्रोजल। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा डैश स्लाइड डैश टू। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है 0 स्टार्ट होती है, मैं 3 लूँगा जो है इमेजेस, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। और उसके बाद कॉपी पेस्ट पेस्ट, और पहले वाली जो है यहाँ पे क्लास कॉल कर लेंगे, एक्टिव करना है चूँकि इसको, तो एक्टिव कर लिया। अब ये वाली आ जाएगी 1 और ये आ जाएगा 2। इसको अगर हम ब्राउज़र के अंदर देखें तो हमारे पास जो है अभी ये क्रोजल के जो इंडिकेटर्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब करना ये है कि नेक्स्ट वाला जो है कोड हमने करना है। तो अनऑर्डर लिस्ट के, ऑर्डर लिस्ट के टैग के बाहर निकलेंगे और फिर आ जाएगा हमारे पास क्रोजल इनर का। तो यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं क्रोजल डैश इनर, और उसके अंदर जो है अब हमने क्लास जो है क्रिएट करनी है क्रोजल इनर के अंदर, क्या कहते हैं उसको, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करूँगा क्रोजल डैश आइटम की। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक इमेज का टैग लेंगे इमेज, और सोर्स इसका आ जाएगा इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ी है फाइल इमेजेस स्लैश, और इसको मैं जैसे कर लेता हूँ फोर डॉट जेपीजी, और आर्ट के अंदर कर लेता हूँ स्लाइड 1। और उसके बाद यहाँ पे क्लास हम कॉल करेंगे डी डैश ब्लॉक, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक इमेज डैश फ्लूइड, और उसके बाद विड्थ इसकी 100%, और यहाँ पे हाइट जो है हम स्पेसिफिक दे देते हैं जैसे 500 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से ये शो अप होती है। तो यहाँ पे इमेज जो है क्यों नहीं शो अप हुई, इसको देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्लास कॉल करनी थी एक्टिव की, एक्टिव की क्लास कॉल की, इसको सेव करवाते हैं और ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं। तो हमारे पास जो है ये इमेज जो है लग चुकी है, नीचे इंडिकेटर्स भी आ गए हैं और ये बेहतरीन जो है लुक हमें दे रही है। इसको ये हाइट इसकी कंट्रोल नहीं हुई 500 पिक्सल के साथ, इसको हम करके देखते हैं 300 हाइट इसकी, और फिर चेक करते हैं हमारे पास, ठीक है यहाँ पे हाइट कंट्रोल नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे फिर बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल कर लेते हैं, और क्लास के क्या नाम है एच, तो जैसे यहाँ पे मैं 75 कर लेता हूँ या 50 कर लेता हूँ, तो उसके ज़रिए भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फुल एचडी इमेज लगाई है, इस वजह से यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर रहा उस क्लास को। जैसे यहाँ पे मैं 50 की है तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है जी, क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ, इस वजह से वहाँ पे क्लास जो है शो नहीं हो रही। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक ख़त्म करता हूँ इसका एक मरतबा और सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो फिर भी जो है इसने नहीं किया। चलें, इसको इसका दूसरा अब हल ये है
कि हम क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप की जो फाइल है बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मेन जो CSS के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है उसको ओवरराइड कर देते हैं। और ओवरराइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये रूट लगा हुआ है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। जैसे ये है मेरे पास एक क्लास, यहाँ पे HR ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ और उस क्लास का मैं नाम रख लेता हूँ जी करोजल इमेज, करोजल डैश EMG, ठीक है जी EMG। और उसके अंदर मैं जो है हाइट उसकी कंट्रोल करनी है, तो मैं हाइट उसकी कर लेता हूँ जैसे 400 पिक्सल, और इसको सेव करवाता हूँ मैं। तो यहाँ पे तकरीबन सारी क्लासेस जो हैं ये अब अलाइन में आ गई हैं। मैं वो वाली क्लास जो है यहाँ पे अब कॉल करूँगा W-100, तो यहाँ पे रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे क्लास कॉल कर लेता हूँ क्रोजल डैश EMG। चलिए इसको सेव करवाते हैं और ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं कि हमारी इमेज जो है वो साइज़ कम ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ। तो क्लास का यही नेम था, मैंने कॉपी करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस नाम की क्लास जो है नहीं मिली मुझे, क्रोजल कहाँ पे मैंने बनाई है ये, मेरे ख्याल से नाम जो है वो गलत हो गया। चले हम दोबारा से क्लास क्रिएट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं उसका। यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ और दोबारा से ये क्लास जो है क्रिएट कर लेता हूँ। हाइट उसकी हम 400 पिक्सल ही सेट कर देते हैं और इसको सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो अब हमारे पास ये क्लास जो है वर्क कर जानी चाहिए, क्रोजल डैश इमेज। ठीक है, तो इसके अंदर दोबारा स्पेस करते हैं, 400 पिक्सल दो मरतबा लगाया था हमने, चलें सेमी कॉलन। यहाँ पे इसके ऊपर 400 पिक्सल का कोई भी इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ। उसके साथ हम क्या करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट का टैग देते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेव किया इसको। अब जो है उसने ओवरराइड कर दिया है, 400 पिक्सल की क्लास हो गई है। हमारे पास इमेज जो है वो तो सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब अगले वाली इमेज जो है लगानी, लेकिन इससे पहले मैं कैप्शन अगर लगाना चाहूँ तो कैसे करेंगे हम। ये इमेज का टैग आ गया, अब इसी के नीचे जो है हम एक डिव ले लेते हैं और उसका मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ क्रोजल डैश कैप्शन की, कैप्शन की क्लास कॉल की। इसके अंदर जैसे मैं H4 की हेडिंग कॉल करता हूँ और यहाँ पर जैसे लिखता हूँ रिलाइएबल सॉफ्टवेयर, रिलायबल सॉफ्टवेयर, और अंदर जो है एक पैराग्राफ ले लेते हैं। उसके अंदर जो है मैं लॉरम का एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, जैसे ये काफ़ी बड़ा लग गया है, छोटा सा लगाना था, इसको हम कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, एंड तक जो है रिमूव कर देते हैं। सेव किया इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये पैराग्राफ इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब करना ये है कि जो हमारी क्रोजल आइटम जो है एक मरतबा हो चुकी है डिफ़ाइन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिव थी, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद नीचे मैं पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद ये एक्टिव क्लास जो है इसमें से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एट अ टाइम एक ही क्लास एक्टिव रह जाती है। अब इसके बाद इमेज का जो है नाम चेंज करेंगे और साथ में जो है स्लाइड टू कर देते हैं ऑल टेक्स्ट के अंदर, और फिर यहाँ पे रिलायबल सॉफ्टवेयर के अंदर कह देते हैं बिजनेस सॉल्यूशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस। चलें जी, ये बिजनेस सॉल्यूशन कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने बिजनेस सॉल्यूशन लिखा तो अब हमारे पास जो है दूसरी आ गई है। अगर इसके ऊपर मैं यहाँ पे आएँ तो ये दूसरी हमारे पास स्लाइड आ गई है, और उसके बाद जो है अब हमने एक और इमेज डालनी है। तो क्या करेंगे, इसी डिव को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया यहाँ पे, अब इमेज जो है जैसे मैं पहले वाली लगा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट नहीं चेंज कर रहा, स्लाइड नंबर 3 कर देते हैं ऑल टेक्स्ट के अंदर। सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास तीसरी इमेज भी जो लग चुकी है। चलें जी, अब ये बेहतरीन किस्म की जो है हमारे पास क्रोजल आइटम जो है तैयार हो चुकी है।
अब इसके बाद क्या, अब देखें यहाँ बिल्कुल साथ में टच है किसके, ऊपर नए बार के, तो इसको हमने क्या करना है, जहाँ से ये क्रोधन शुरू हो रही है इसको हम देखते हैं जाके, ये क्रोधन शुरू हो रही है यहाँ पे, कंटेनर शुरू हो रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेक्शन के अंदर जो मेन सेक्शन है इसको हम मार्जिन देते हैं, मार्जिन वाई, और वाई से इसको हम 5 RM का जो है मार्जिन देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्रोधल दरमियान में आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि ये एक हमने जंबोट्रॉन लेना है, उसके अंदर हमने एक इमेज लगानी है, पैराग्राफ और बटन्स, तो इस तरीके से लगानी है। देखेंगे यहाँ पे 4 कॉलम इसको लिए हैं और इमेज को दिए गए हैं 8 कॉलम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ लेते हैं, जहाँ पे ये कंटेनर की डिव ख़त्म हुई है उससे बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा जंबोट्रॉन की, क्लास बनाऊँगा जंबोट्रॉन की, मैंने इसके ऊपर एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिक क्लास बन गई। अब हमने इसके अंदर जो है एक रो लेनी है, डॉट रो के साथ एक क्लास क्रिएट करेंगे, और जंबोट्रॉन को हमने देना है जी बॉटम से मार्जिन, तो MB-3 कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं जी कॉलम क्रिएट करेंगे, डॉट कॉल -12, उसके बाद डॉट कॉल -LG-8, ये इसको मैंने 8 कॉलम दिए हैं इमेज के लिए। इसके अंदर इमेज का एक टैग यूज़ करेंगे, इमेज पड़ी है जी इमेजेस के फोल्डर के अंदर स्लैश, और इसके ऊपर मैं इमेज लगा देता हूँ जी सेकंड वाली, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोरी इमेज, स्टोरी इमेज चलें जी स्टोरी में लगा दी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासेस वही कॉल करेंगे, डिस्प्ले डैश ब्लॉक आ जाएगा ब्लॉक, और उसके बाद EMG-Fluid और विड्थ 100% आ जाएगी। चलें इसको हम सेव करवाते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास शो अप होती है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो है ये एक इमेज लग गई है, आप इसके अलावा भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाई है ये 3 नंबर 2 नंबर लगाई है, मैं इसको 4 नंबर लगा लेता हूँ और सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से जो है आ जाएगी। चलें अभी ये इमेज लग गई है, अब उसके बाद जो है हमने दूसरा एक कॉलम लेना है, तो वो कॉलम किस तरीके से लेंगे, कॉल -12, 8 ऊपर हम ले चुके हैं, तो अभी नीचे आएंगे 8 और 4 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LG-4, तो उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करूँगा, और नीचे जो है अब लेना है जी एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के अंदर हमने लॉरम का लिखना है पैराग्राफ एक, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ अप्लाई हो गया है, उसके साथ में 2 बटन आने हैं, पैराग्राफ के टैग से बाहर निकलेंगे और हम बटन लगा देंगे यहाँ पे, तो बटन लगाया मैंने यहाँ पे, टाइप इज़ इक्वल टू बटन ही आ जाएगी, क्लास आ जाएगी यहाँ पे BTN-Primary, और उसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा जी रीड मोर या अबाउट अस कर देते हैं इसको, चलें जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो आपने लिख लेना यहाँ पे अबाउट अस। और उसके बाद जो है मैं एक और बटन यहाँ पे लगा देता हूँ नीचे बिल्कुल इसके, बटन टाइप इज़ इक्वल टू बटन और क्लास इसके अंदर आ जाएगी BTN-Outline, Outline-Primary, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, चलें जी मैं सेव कर दिया, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 बटन क्रिएट हो चुके हैं, आउटलाइन वाला और स्टैंडर्ड बटन। अब इसको हमने पैराग्राफ को सेंटर में बिल्कुल लेके आना है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, हम जो है इसके ऊपर रो जो हमने ली है उसके अंदर हम क्लास कॉल करेंगे, कहाँ पे है रो ये, तो हम यहाँ पे करेंगे अलाइन -Items-Center, इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास ये सेंट्रलाइज हो गया पैराग्राफ। इमेज भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ ये 5 वाली, चलें सेव करते हैं इसको, तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे एक इमेज जो है लग चुकी है, चलें ये अब हमारे पास जंबोट्रॉन लग गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे एक अलर्ट लगा हुआ है, अलर्ट के अंदर जो है हमने क्या लगाया हुआ है जी, एक सक्सेस टाइप का अलर्ट लगाया हुआ है, तो आप कोई भी टाइप का अलर्ट जो है लगा सकते हैं, तो मैं इसकी जगह पे इन्फो वाला लगाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी जंबोट्रॉन की क्लास से बाहर निकलेंगे, या यहाँ पे डिव ख़त्म हो रही है जंबोट्रॉन की, और यहाँ पे मैं एक कंटेनर की डिव ले लेता हूँ, और उसके अंदर जो है अब हमने अलर्ट लगाना है, तो डॉट अलर्ट की क्लास जो है उसके अंदर हम कॉल करेंगे,
अब अलर्ट की थीम हमने बतानी है, अलर्ट डैश मैं कर लेता हूँ इन्फो, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक हेडिंग यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, और H1 के अंदर हम क्लास यूज़ कर लेते हैं अलर्ट डैश हेडिंग की। तो हेडिंग मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे वी आर, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वी आर हायरिंग, और इसको हम सेव करवाते हैं। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से ये पेज रीलोड हो रहा है। यहाँ पे वी आर हायरिंग की जो है ये आ गई है, फ़ॉन्ट आ गया है। अभी इसका फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चूँकि इसको नहीं करना चाह रहा, स्टाइल और सीएसएस हम नहीं यूज़ करना चाह रहे। उसके बाद नीचे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जैसे यहाँ पे मैं लॉरम का पैराग्राफ लगा देता हूँ, सेव किया। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ भी अप्लाई हो गया हुआ है। उसके बाद एक लिंक लगाना है, तो लिंक चाहे पैराग्राफ के अंदर लगा दें, बाहर लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ही लिंक लगा देता हूँ। तो मैं लिंक लगाने के लिए क्या करूँगा, एंकर का टैग यूज़ करूँगा, और इसके अंदर हैशटैग डाल देते हैं, और क्लास इसके अंदर कॉल कर देते हैं। जी हम क्लास इसके अंदर कॉल करेंगे, ये अलर्ट है तो अलर्ट डैश लिंक की क्लास कॉल कर देंगे। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक अप्लाई हेयर, बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई हेयर, अप्लाई हेयर लिखा, इसको सेव किया। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे अप्लाई हेयर का लिंक जो है आ गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर फ्लूड कंटेनर के अंदर जो है हमारे पास ये चार कॉलम्स हैं, एक इमेज लगी हुई है, और साथ में जो है यहाँ पे व्हाट वी डू का आ रहा है टैग। तो इसको जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बना सकते हैं। क्या करेंगे, ये सर्कल में लगी हुई इमेज, तो इसको आप स्केयर में भी लगा सकते हैं। अभी इसी कंटेनर के अंदर ही रहेंगे, और ये इसकी डिव है, ये ऊपर वाली डिव किसकी थी जी, ये अलर्ट की थी। तो अलर्ट की डिव से बाहर निकलेंगे, अंदर मैं क्या करता हूँ, एक जम्बोट्रॉन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा डॉट जम्बोट्रॉन, आप जम्बोट्रॉन ना भी लें फिर भी जो है वो आपका काम जो है हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जम्बोट्रॉन ले लिया है, अभी जम्बोट्रॉन की वो आ गई है मेरे पास। अब हमने क्या करना है जी, करना ये है कि इसके अंदर हमने एक रो लेनी है, डॉट रो ली, और रो को जो है हम पैडिंग दे देते हैं PY2RM की, और मार्जिन जो है मार्जिन जम्बोट्रॉन को देते हैं MY-1 का, मतलब कि 1 RM का इसको मार्जिन दे दिया। अब रो के अंदर चार कॉलम आएंगे, तो पहला कॉलम जो है हम बनेंगे कॉल डैश 12 का, फिर उसके बाद कॉल डैश MD-6 का, और फिर उसके बाद कॉल डैश LG-3 का। अब मैंने ये कॉलम बनाए हैं क्योंकि चार चीज़ें हैं, चार जो है कॉलम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने इसको फिट करना था। तो पहले कॉलम के अंदर जो है इमेज है, तो मैं यहाँ पे इमेज का टैग लगाता हूँ, और उसके अंदर इमेज जो है कॉल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इमेज, इमेज के अंदर पड़ी है, और मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ जी 4 नंबर इमेज, या 4 नंबर नहीं, इसके ऊपर लगा लेते हैं हम जी 3 नंबर इमेज। और उसके बाद हम यहाँ पे आल्ट के अंदर लिख देते हैं जी इमेज, इमेज 1, और क्लास इसके अंदर कॉल कर देते हैं जी क्लास EMG-Fluid, रिस्पॉन्सिव करने के लिए इमेज को, और डिस्प्ले इसका कर देते हैं ब्लॉक। और चलें इसको करके देखते हैं, हम सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है अभी ये लोड हो रही है, ये इस तरीके से जो है इमेज आ गई है। चलें खैर अभी इसको हम देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये इमेज लग गई। अब दूसरे कॉलम के अंदर हमने यही कॉलम में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर इमेज की बजाय अब हमें लगाना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे फेक टेक्स्ट का लॉरम इप्सम लगा दिया, और उसके बाद नीचे लगाने थे, क्या लगाने थे जी, यहाँ पे लगाना है जी हमने एक बटन रीड मोर का, तो हम रीड मोर का बटन भी अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बटन का टैग, और टाइप इज इक्वल टू उसकी बटन, क्लास आ जाएगी जी हमारे पास BTN स्पेस BTN-Primary, प्राइमरी, और उसके अंदर हम लिखेंगे रीड मोर, रीड मोर लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से जो है ये पैराग्राफ आ गया। अब मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ इमेज को, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रो के अंदर क्लास कॉल करूँगा अलाइन डैश आइटम्स डैश सेंटर,
सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो है ये चीज़ें जो है सेंट्रलाइज हो चुकी हैं। इसकी हाइट अगर हम बढ़ाना चाहें तो हाइट भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसकी इमेज की जो हाइट है एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ एच, और इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ। सेव किया इसको, तो अब ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास हुई है। 200 कम थी, 300 करके देखते हैं। सेव करते हैं इसको, और ब्राउज़र के अंदर लोडिंग पर टाइम ले रहा है। लेकिन ये साइज़ जो है, जो कि हमने फ्लूड की क्लास का आगे डिस्प्ले उसका ब्लॉक कर दिया, इस वजह से ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा। चलें कोई बात नहीं, अभी हमारे पास ये एक तैयार हो गया है, दो कॉलम तैयार हो गए हैं। अभी इसी दो कॉलम्स को यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ। कहाँ पे गया जी, ये कॉलम यहाँ तक हैं, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। अब इसकी इमेज मैं चेंज कर देता हूँ। इमेज जैसे यहाँ पे मैंने कर दी 4, और बटन जो है वही रहा। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास जो है ये दो कॉलम जो हैं डिफरेंट पैराग्राफ के साथ तैयार हो चुके हैं। अगर आपने इसको रन करना है क्लास को, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, क्लास कॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्लास कॉल करता हूँ राउंडेड डैश सर्कल, तो राउंडेड डैश सर्कल हम करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगी, इमेज जो है सर्कल के अंदर आ जाएगा। जैसे ये सर्कल के अंदर आ गया है, यहाँ पर भी आप इसको सर्कल कर सकते हैं। तो जस्ट आपने क्लास कॉल करनी है राउंडेड डैश सर्कल की, राउंडेड डैश सर्कल। सेव किया इसको, चले हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। और उसके बाद जो है हमारे पास कार्ड्स हैं, कार्ड्स हमने लगाने हैं जी 4। तो कार्ड लगाने बहुत ज़्यादा आसान है, आपको पता है कि डिव लेते हैं कार्ड की, उसके अंदर हमारे पास हेडर है, साथ में उसका फुटर होता है, वो हम लगा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान काम है। जैसे ये हमारे पास साइट जो है तैयार हो रही है, पेज तैयार हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने करना ये है कि जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये रो ख़त्म हो रही है, ये वाली रो ख़त्म हो गई, अब मैं इसके आगे ही, बल्कि इस जम्बोट्रॉन से बाहर निकल जाते हैं, ये जम्बोट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और एक नई रो ले लेते हैं रो, और इसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से, टॉप से बल्कि इसको वायर पे मार्जिन देते हैं -3 का। और इसके अंदर हमने कॉलम जो है वैसे ही लेने हैं, तो मैं यहाँ पे पहले कॉलम कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके अंदर से इमेज का टैग हम रिमूव कर देते हैं। चले जी, इमेज का टैग रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, करना ये है कि हमने यहाँ पे कार्ड बनाना है, तो कार्ड एक बना लेते हैं जी, डॉट कार्ड, एक डिव ली, उसके अंदर आ जाएगा जी हमारे पास सबसे पहले कार्ड हेडर, तो यहाँ पे डॉट कार्ड डैश हेडर आ जाएगा, ये हमने डिव ली, और फिर उसके बाद डॉट कार्ड डैश बॉडी आ जाएगी, ये हमने एक डिव ली, और उसके बाद इस डिव से बाहर निकल के डॉट कार्ड डैश फुटर आ जाएगा। तो ये मैंने एक डिव ली। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है कार्ड जो है एक उसकी थीम मेरे पास जो है तैयार हो चुकी है। अभी हमने ये देखें कार्ड का आ गया, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर सपोज करें आपने जो है अप्लाई करनी है, क्या कहते हैं उसको, थीम को ही अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे सपोज करें ब्लू का करना चाहता हूँ, या रेड का करना चाहता हूँ, या वार्निंग का करना चाहता हूँ। चलिए हम तीनों कर लेते हैं। यहाँ पे बीजी डैश मैं पहले कर लेता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी किया, और इसके अंदर जो है मैं एक बटन कॉल कर देता हूँ, बटन, और टाइप इज़ इक्वल टू आ जाएगी उसकी बटन ही, और क्लास आ जाएगी हमारे पास btn, btn डैश प्राइमरी, और उसके बाद हम btn डैश ब्लॉक की क्लास कॉल करेंगे ताकि ये पूरा पूरा फिट आए उसके अंदर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीड मोर, रीड मोर लिख दिया। अब देखेंगे आपके यहाँ पे हेडर के ऊपर जो है बैकग्राउंड अप्लाई हो गया हुआ है, और यहाँ पे अब आएंगे हम हेडर के अंदर, कार्ड हेडर के अंदर यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू, आवर न्यू प्रोडक्ट, आवर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी, आवर न्यू प्रोडक्ट लिखा। आप सेव करेंगे इसको, ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। आप इसके अंदर हेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर H4 की हेडिंग ले लूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ अंदर आवर, क्या कहते हैं उसको, आवर न्यू प्रोडक्ट,
चलें जी, सेव किया इसको, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो ये थोड़ा सा नॉमिनेंट हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है मैं इसका टेक्स्ट जो है लाइट कर देता हूँ। तो क्लास कॉल करेंगे टेक्स्ट डैश लाइट की, LIGHT लाइट, सेव करते हैं तो ये जो है हमारे पास वाइट हो जाएगा टेक्स्ट। अब इसके अंदर कोई पैराग्राफ डालना है तो वो डाल दें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ बॉडी के अंदर, और लॉरम वाला जो है पैराग्राफ इसके अंदर डाल देते हैं। सेव करवाएंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक कार्ड जो है क्रिएट हो जाएगा। ये कार्ड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस कार्ड को कॉपी करूँगा जहाँ तक ये बना हुआ है। ये कार्ड यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ। अब इसकी हम थीम चेंज कर देंगे। इसको मैं कर देता हूँ जी सक्सेस। और उसके बाद यहाँ पे बटन की क्लास भी जो है हम सक्सेस कर देंगे ताकि थीम जो है सेम रहे। सेव किया इसको तो अब देखेंगे यहाँ पे जो है हमारे पास ये नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हमने पूरा कॉलम कॉपी करना था। हमने क्या किया है कि हमने जस्ट जो है कार्ड की डिव जो है कॉपी कर ली। चलें इसको कर लेते हैं हम, जहाँ पे कॉलम हो रहा है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, क्योंकि कॉलम वाइज लेना है, रिस्पॉन्सिव बनाने हैं कार्ड्स को। तो हम कॉपी करेंगे यहाँ तक और नीचे पेस्ट कर देंगे। अब हम इसकी चेंज करते हैं अगर सक्सेस, और यहाँ पे भी इसको कर देते हैं जी सक्सेस। चलें सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से कार्ड जो हैं आ गए। अब न्यू प्रोडक्ट आ गई। अब अगले वाला जो है, चाहे आप डेंजर वाला लगा लें चाहे आप दूसरा लगा लें, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। इसका मैं कर देता हूँ जी बैकग्राउंड वार्निंग, और बटन की थीम भी जो है हम वार्निंग कर देते हैं यहाँ पे वार्निंग। सेव करेंगे इसको, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से जो है ये कार्ड क्रिएट होते जा रहे हैं। तो ये अब जो है हम एक और कॉलम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर प्राइमरी है, फिर उसके बाद डेंजर रह गए, डेंजर कर दें। और बटन की थीम भी जो है वो भी हम क्या कर देंगे, डेंजर कर देंगे, डेंजर। सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये कार्ड की जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। हमारे पास पूरा पेज जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। हम इसको छोटा करते हैं, अब देखेंगे क्रोजल आइटम जो है बिल्कुल फिट हो गई है। और अगर नीचे आए हम तो ये वाला जो हमारा था ये भी ठीक हो गया हुआ है। उसके बाद हमारी जो अलर्ट थी वो भी ठीक आ रही है, ये वाला भी हमारा ठीक आ रहा है, और कार्ड्स भी हमारे तकरीबन जो हैं ठीक आ रहे हैं। चलें जी, गुड हो गया। अब एक मसला है कि हेडिंग जो है, अगर आप देखें तो हेडिंग बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे अलाइन है, तो इसको हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मल्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हेडिंग यहाँ पे लगी हुई है, और उसके बाद एक यहाँ पे है, फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं जी, एक यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे है। चलें इसको हम कर देते हैं जी, कॉल करते हैं जी टेक्स्ट डैश सेंटर, कॉल करते हैं सबके अंदर। सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास जो है ये सारी की सारी हेडिंग सेंटर में आ गई हैं। तो अब ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है लुक स्क्रीन के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको मीडियम स्क्रीन के ऊपर ले करता हूँ तो ये दो कार्ड्स हो जाएंगे, और बड़ी स्क्रीन के ऊपर करते हैं तो चार कार्ड्स हो जाएंगे। तो ये फुली रिस्पॉन्सिव जो है लेआउट हमारे पास जो है वेबसाइट का तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी जो है समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पेज के अंदर जो है अपना सर्विसेज वाला पेज जो है डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।